नमस्कार सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गौरी शंकर दंगल में बालमुकुंद ने दिल्ली के कमिश्नर आर को हराकर जीते 22,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में आज दिनांक 5 सितंबर 2021 को भादव के 13 के दिन लगभग 65 वर्षों से हो रहा दंगल सकुशल संपन्न हुआ। मिंद पर्वत के किनारे मिर्जापुर जनपद के ग्राम सभा कोड़ी में प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर गौरी शंकर महादेव के प्रांगण में बृहद कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें बालमुकुंद बुंदेलखंड ने दिल्ली के कमिश्नर राणा को हराकर 22,000 का इनाम जीता। अयोध्या हनुमानगढ़ी के बजरंगी ने दिल्ली के भीम को हराकर 11,000 रुपये का इनाम जीता। वहीं महिलाओं में दिल्ली की मोनिका ने गाजीपुर की सीमा को हराकर 11,000 रुपये का इनाम जीता। कुल 2 दर्जन के समीप कुश्ती कराई गई, जिसमें दर्जनों कुश्ती बराबरी पर रहे। वहीं दर्जनों कुश्ती पहलवानों ने अपने नाम किए। कुश्ती दंगल अति प्राचीन होने के कारण जिले के अलावा अन्य प्रदेश से भी पहलवान आए हुए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कन्नौजिया, ग्राम प्रधान सतीश तिवारी और पंकज तिवारी ने किया। कार्यक्रम में नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल, मनोज श्रीवास्तव, राजन पाठक, गौरी शंकर समिति के अध्यक्ष चंद्रमा प्रसाद शुक्ला और कप्तान सिंह मौजूद रहे। रेफरी का कार्य रामचंद्र सिंह, अकबाल सिंह, अशोक सिंह आदि ने किया और संचालक का काम रवि प्रकाश सिंह ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उपाध्यक्ष अमर बहादुर सिंह, चंद्रिका सिंह, तीर्थराज सिंह, श्यामू सिंह, नीलू शुक्ला, सालू शुक्ला, अंचल शुक्ला और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम से पहले सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया और उसके बाद दंगल का शुभारंभ किया गया था। मेले में मिर्जापुर के अलावा भदोही, सोनभद्र, इलाहाबाद, बनारस आदि जिलों से भी लोग आए हुए थे। कुश्ती में टमाटर लाल और आलू बाबा की कुश्ती बहुत ही सराहनीय रही। कुल 28 कुश्तियाँ कराई गई, जिसमें 15 कुश्तियाँ विजयी रही जबकि 13 कुश्तियाँ बराबर पर रहीं। ग्राम प्रधान सतीश तिवारी और पंकज तिवारी ने आए हुए सभी पहलवानों का आभार व्यक्त किया और उपस्थित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन किया। कार्यक्रम स्थल प्राकृतिक वातावरण से भरपूर होने के कारण दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। ग्रामीण अंचलों से आए हुए बच्चे खिलौने खाद्य सामग्री खरीदते हुए नजर आए। ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ का दंगल लगभग 65 से 70 सालों से लगातार भादों के 13 के दिन आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से पहलवान लड़ने के लिए आते हैं। हालांकि पहलवान इतने अधिक आ गए थे कि सबका कुश्ती कराना मुश्किल हो गया। लगभग 50 पहलवान बिना लड़े ही वापस चले गए। सत्यात्रा न्यूज़ से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान अकोड़ी सतीश तिवारी उर्फ पंकज। आज यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर के बगल में विराट दंगल का आयोजन किया गया जी, कैसा रहा प्रोग्राम आपका? बहुत ही अच्छा रहा। हमारे ग्राम सभा अंतर्गत जो दंगल हुआ गौरी शंकर मंदिर के पास में, अपने देश के हर प्रदेश से आए लोग, मिर्जापुर जिला के अलावा बनारस, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह से आए पहलवान, जिसमें कुछ महिला पहलवान भी आई थी, उन लोगों का भी दंगल हुआ और बहुत ही अच्छा दंगल हुआ। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आपके यहाँ चल रहा है? सर ये करीब लगभग 60 साल पहले से चल रहा है हमारे गांव में और दूर दूर से पहलवान आते हैं और बहुत ही अच्छा दंगल होता है। इस बार इतने पहलवान आए पूछिए मत। हम लोग दंगल में समय कम होने की वजह से कुछ लोग लड़ा भी नहीं सके, लेकिन अगली बार सोचेंगे कि सबको पहले ही चयनित कर लिया जाए और सही ढंग से हर पलाव लड़ा जाए। दंगल तो बहुत जगह देखा गया लेकिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखी गई, क्या बात है यहाँ? देखिए ये सर ऐसा हम ये जो दंगल होता है ये विराट दंगल होता है, जिससे हमारे क्षेत्र के अलावा जिले के बाहर के लोग भी आते हैं और पूरा स्टेडियम भरा, जो प्रकृति गोद में है स्टेडियम, यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ जो है हरियाली है, पहाड़ है, ठीक है, ऐसा दंगल शायद कहीं भी कहीं नहीं होता होगा जो हमारे गांव होता है। और जितने पहलवान आते हैं हर ढंग संतुष्ट होकर जाते हैं, माता विंध्यवासिनी माता अष्टभुजा कृपा है और हर साल दंगल होता है, अच्छे से दंगल होता है, सब संतुष्ट होकर जाते हैं। दंगल में एक मंदिर है तो क्या विशेषता है यहाँ की? देखिए सर ये गौरी शंकर भगवान का मंदिर है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक साथ में है और ये स्वयंभू हैं। आपने पूछा कि मंदिर की क्या विशेषता है, तो ये जो शंकर और पार्वती, माँ पार्वती का मंदिर है, कहा जाता है ये छनवर 96,000 बीघा का क्षेत्र है और ये राजा दक्ष का यज्ञ कुंड रहा है। जिस समय यज्ञ उन्होंने किया था तो यही उनका यज्ञ कुंड यही है। और कहा जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शंकर यहाँ पर दूर से अदृश्य रूप में आकर विराजमान होकर के और उस यज्ञ को देख रहे थे और बहुत विंध्य महात्म्य में इनका वर्णन है, बहुत शक्तिमान मूर्ति है। दूर दूर के लोग ये, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि 60-70 वर्षों से ये आयोजन होता है, गांव का सहयोग रहता है, नाव तो गांव का है लेकिन पूरे क्षेत्र का सहयोग इसमें रहता है। और तो दूर दूर से यहाँ पे दंगल के लिए आए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक अपेक्षा करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो भी दूर से आते हैं हम उनको संतुष्ट करें
वो जिस योग्य होते हैं पहलवान, जैसे कुश्ती बच्चों की शुरू होती है 500 से शुरू होकर के, और इस वर्ष की अंतिम कुश्ती 22,000 पे गई, तो पैसा हमारे समिति में और भी है, लेकिन प्रयास है। ये जो 22,000 की कुश्ती थी तो हाँ, क्या हुआ, कंप्लीट हुई कि नहीं? कंप्लीट हुई। इसमें दिल्ली के पहलवान थे राणा सिंह, जो कि कमिश्नर, जो कि बुंदेलखंड, झांसी से बुंदेलखंड से थे, दोनों लोगों की कुश्ती 22,000 वाली हुई, जिसमें कि बाल मुकुंद जी ने कुश्ती जीता और उन्होंने बाजी मारी। आपका परिचय? मैं रवि प्रकाश सिंह, इसी गांव के एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हूं और सहयोगी हूं, इस समिति का सहयोगी हूं। जी, क्या नाम है आपका? मोनिका मिश्रा जी। कहाँ से आई हैं जी? आज यहाँ पे कुश्ती है, तो आपकी कुश्ती किसके साथ हुई? क्या रिजल्ट रहा? जी, कितने कुश्ती थी? 11,000 जी। बहुत बहुत धन्यवाद।